गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, श्री रामानुजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के चैप्टर मोशन के टॉपिक्स कवर करेंगे और उसे बहुत ही आसान और इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन समझने से पहले हम ये जानते हैं रेस्ट क्या होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है उसे हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। एक डस्टर ले लीजिए, टाइम बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड हो गए, 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड हो गए, ये अभी भी अपनी ही जगह पर है। तो इसे हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यानी जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने मोशन या अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है वो रेस्ट में कहलाएगा। If an object does not change its position with respect to time, it is said to be in rest. जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने मोशन या अपनी डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा उसे हम रेस्ट में बोलेंगे। यानी वो जहां था अगले 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद या 5 घंटे बाद भी अगर उसी जगह पर है तो बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे मोशन। रेस्ट में हमने जाना था कि अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। यानी इनिशियली वो किसी x1 डिस्टेंस में था तो t टाइम के बाद किसी x2 फिर x3 ऐसे वो अपनी डिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज करता जा रहा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time, it is said to be in motion. It is said to be in motion. नेक्स्ट आती है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होती है जहां से हम सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। हमें किसी भी मोशन में या किसी भी चीजों में हमें एक रेफरेंस पॉइंट माननी होती है जहां से हम सारी ऑब्जर्वेशन करते हैं। यानी कि वो इस पॉइंट से ऊपर गया है, नीचे गया है, तो कुछ एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे ना कि हाँ यहाँ से वो इतने डिस्टेंस ऊपर गया है या वहां से उतने डिस्टेंस नीचे गया है या लेफ्ट गया है या राइट गया है। तो वो पॉइंट जहां से हम सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। The point from where all the observations are taken are considered as is considered as the
रेफरेंस पॉइंट। जहां से हम अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम डिस्टेंस के बारे में जानेंगे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो जानेंगे। इसे हम एक टेबल बना के समझते हैं, थोड़ी आसानी होगी। इधर हम डालेंगे डिस्टेंस, इधर डालते हैं डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले मान लीजिए एक लड़का है, उसे अपने स्कूल जाना है। तो स्कूल जाने के लिए उसके पास बहुत से पास हो सकते हैं। वो सीधे भी स्कूल जा सकता है, ये घूम के भी जा सकता है, या इधर से भी जा सकता है। वही अगर डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। उसको स्कूल पहुंचने तक जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और डिस्टेंस ये छोटा रास्ता भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या इससे भी बड़ा जितने भी रास्ते होंगे स्कूल पहुंचने के वो सारे ही डिस्टेंस में कैलकुलेट किए जाएंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ वो छोटा से छोटा रास्ता होगा जिससे वो इंसान अपने स्कूल पहुंच जाए। तो डिस्टेंस हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। यहां से हमें पता चला कि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। जितने अलग अलग पाथ होंगे उतने ही डिस्टेंस बढ़ते जाएंगे या कम होते जाएंगे। तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उसका सिर्फ एक ही रास्ता होगा जो सबसे छोटा हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव हो और डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इवन हम सीधा चल के अगर उल्टा भी आ जाते हैं तो भी डिस्टेंस ये वाला भी कैलकुलेट किया जाएगा, ये वाला भी कैलकुलेट किया जाएगा। पर अगर हम सीधे जा रहे हैं और फिर वापस आ गए तो हमें इनिशियल पोजिशन ढूंढना है और फाइनल पोजिशन ढूंढना है, उसकी डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम ये चलते चलते यहाँ आ गए, इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, पर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पहला अंतर है कि डिस्टेंस टोटल जितनी लेंथ होती है पाथ की उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है, अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो डिस्टेंस ये हो जाएगी, इससे जाएंगे तो ये हो जाएगी, इससे तो ये। पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो सबसे छोटा रास्ता होगा हमेशा वही ही डिस्प्लेसमेंट होगा, पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको मोशन के बारे में समझ में आया होगा, रेस्ट के बारे में समझ में आया होगा, रेफरेंस पॉइंट के बारे में समझ में आया होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और उनके बीच जो बेसिक डिफरेंसेस है उनके बारे में समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।